नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शेरकोट के व्यक्ति की सऊदी अरब में सड़क हादसे में हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बिजनौर के शेरकोट में एक परिवार में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब घर में कमाने वाले एक लौते इंसान की सऊदी अरब में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक 7 महीने पहले ही सऊदी अरब गया था, 7 महीने बाद ही दुनिया को अलविदा कह दिया। मृतक व्यक्ति को सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा। आपको बता दें कि शेरकोट के मोहल्ला तराई के रहने वाले लाइक अहमद उम्र 45 वर्ष सऊदी अरब में कारपेंटर का काम करते थे। बताया जा रहा है कि कल वो सड़क किनारे काम कर रहे थे, दौरान लाइक बड़े ट्रोले की चपेट में आ गए। लाइक के सिर से ज्यादा खून बह जाने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लाइक के साथ कमरे पर रहने वाले लड़कों ने हादसे की खबर मृतक के परिवार को दी। खबर मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि मृतक के 3 बेटे हैं और 2 बेटी हैं। मृतक 7 भाइयों में सबसे छोटा था। इस हादसे के बाद 5 बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया है। मृतक लई के फुफेरे भाई सईद ने बताया कि लई को सऊदी अरब में ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट ने कार्यवाही शुरू कर दी है। फिलहाल इस हादसे के बाद मोहल्ले में भी शोक की लहर दौड़ गई है। शेरकोट से सैफ मंसूरी की रिपोर्ट। नाम आपका? सईद अहमद। ये सऊदी में जिनकी डेथ हुई है, ये क्या लगते थे आपके? ये फुफेरे भाई। क्या नाम था इनका? लईक अहमद। अच्छा, इनका एक्सीडेंट हुआ कैसा है? इनका एक्सीडेंट, ये कर्प कंपनी में वर्क करते थे जी, तो ये रोड का काम करते थे जी। ये काम करके जो है साइड में बैठ गए जी। एक ट्रोला आया केबिन का, जो रेडीमेड रूम होते हैं, वो ट्रोले का जो साइड है उनके यहाँ पे लग गया दिमाग। अच्छा, ये किस चीज़ का काम करते थे? ये कारपेंटरी में काम। कारपेंटरी, रोड कॉन्ट्रेक्शन। अच्छा, सूचना कैसे मिली यहाँ पर घर पर? सूचना उनके जो रूम वाले हैं मित्र वहाँ पे जी, उन्होंने यहाँ पे फोन किया था कल तकरीबन 7 बजे शाम जी, उनसे सूचना मिली। तो अब बॉडी यहाँ पर लाई जा रही है या वहीं पर? नहीं, वहीं पर दफना हो जाएगा, वहीं पर हो जाएगा। ठीक, कल पेपर तैयार करा के जी भेज देंगे गवर्नमेंट को, वहाँ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उम्र कितने दिन की? उम्र तकरीबन 46 वर्ष। ठीक, खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।